तो आपने जणावी दीधुं कि भारते पाकिस्तानना युद्ध विरामनो उल्लंघन करवाने लईने जड़बा तोड़ जवाब पाकिस्तान ने आप्यो छे, जे पाकिस्तान कदाच क्यारे नहीं भूली शके। जी हाँ, भारतीय सेना एपीओके पासे रहेली 10 पाकिस्तानी सेनानी चौकीओ उड़ावी दीधी छे। पाकिस्तानी सेनाए कश्मीरना राजौरी अने पूंछ सेक्टरमां गोळीबारी करी हती, जेना जवाबमां भारते आ जड़बा तोड़ जवाब आप्यो। अथડામણમાં સેનાના જવાન હરણસિંહ શહીદ થઈ ગયાના પણ સમાચારો મળી રહ્યા છે। ने करारा जवाब जो है वो भी दिया है, लेकिन अभी फायरिंग फिलहाल बंद है, किसी भी सेक्टर में फायरिंग नहीं है, लेकिन एक अलर्ट पूरा किया गया है भारतीय सेना की ओर से। और मेंढर का जो इलाका है, जो बालाकोट का इलाका है, मनकोट का इलाका है, उन इलाकों में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है जी। और इस बीच हम बता दें 24 कलाकमां भारतीय सेनाए जड़बा तोड़ जवाबी कार्यवाही करी छे, जेमां पाकिस्तान ने आप्यो छे जवाब। पाकिस्ताने जे प्रकारे युद्ध विराम नु उल्लंघन करवानी कोशिश मात्र करी अने भारते तेनु मोढुं बंद करावी दीधुं। भारते पीओके पासे रहेली पाकिस्तानी 10 जेटली चौकी ने उड़ावी दीधी छे। आ सिवाय राजौरीना नौशेरामां पाकिस्तान तरफथी करवामां आवेली गोळीबारमां एक पोलीसकर्मी घायल थई गया हता, अने त्यारबाद भारतीय सेनाए आ जवाबी कार्यवाही शुरू करी। पाकिस्तानी सेनाना 10 बंकर भारतीय जवानों द्वारा फूंकी मारवामां आव्या। भारतीय सेनाए एक तरफ कहवलिया नाड़ी संभानी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने निशाने लई तबाही मचावी दीधी हती। भारतीय सेना द्वारा करवामां आवेली जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना ने घणु नुकसान थयुं होवानुं सामे आव्युं छे। आ पहली वार नथी के भारते पाकिस्तानी सेना ने जड़बातोड़ जवाब आप्यो होय। अवारनवार पाकिस्तान आ प्रकारे कोईक ने कोईक छमकला करतु रहे छे, पछी तेने परिणामों भोगवानो वारो आवे छे, परंतु ते छतां पण पाकिस्तान सुधरतु नथी। दृश्यो आपणे आपने बतावी रह्या छे पीओके में जे बंकर ने निशान बनावामां आव्या हता, 10 जेटली चौकी उड़ावी देवामां आवी छे। धुमाड़ा जे नजरे पड़ी रह्या छे ते ए तरफ इशारो करे छे के जे भारते जवाबी कार्यवाही करीने जड़बातोड़ जे जवाब आप्यो छे पाकिस्तान ने, तेना आ पुरावा छे। लगातार छेल्ला केटलाय समयथी भारत द्वारा जे घुसणखोरो अने आतंकवादीओ सामे कार्यवाही करवामां आवी रही छे ते पण खूब सराहनीय रही छे। एक कह सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति है, बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं जिसका कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था। पाकिस्तान के सारी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं धरी रह गई है, और यही बौखलाहट है कि वो जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां से कि वो इन्फिल्ट्रेशन करा सकता है उसको जो है एक्टिव कर रहा है। साथ ही ध्यान बटाने के लिए भी जो है कई बार ऐसा करता है कि किसी पोस्ट से फायरिंग होती है, जब भारतीय सेना उधर एंगेज होती है तो वो दूसरी तरफ से जो है दूसरे रूट से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करता है। कह सकते हैं कि सीमा पर पाकिस्तान की जो ये जो चाल है ये हमेशा जैसी जारी रहेगी। भारतीय सेना इतना तय है कि भारत ने ये बहुत साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को उसकी मनमर्जी बिल्कुल नहीं करने देगा भारत, और स्पष्ट संदेश दिया है पाकिस्तान को इस रिटेलिएशन के द्वारा कि सुधर जाए पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया पवन और संदीप आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जब इस पे कोई बड़ा तो हमारे संवाददाता तरफ थी जो माहिती सामने आ रही है कि नाना नाना छबकला करवामां आवी रह्या हता पाकिस्तान तरफ थी लगातार, त्यारे फरी एक वार भारते पाकिस्तान मोढ़ू बंद करावी छे। न मात्र मोढ़ू बंद करावी छे परंतु तेने योग्य सबक पण शीखवाड्यो छे कि भारते जो नुकसान पहोंचाड़वानी कोशिश करशे, भारतीय सीमा में घुसवानी कोशिश करशे के पछी सीज़फायर नु उल्लंघन करवानी कोशिश करशे, तो हवे आ भारत सही नहीं ले।